साल था 1980 का और महीना था जून का। मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक पेडर रोड पर मौजूद एक बंगले का गेट खुलता है। उस गेट में से एक काली मर्सिडीज निकलती है। उस काली मर्सिडीज को उस बंगले की बालकनी पर खड़ा एक शख्स देख रहा था। वो थोड़ा सा परेशान था, इसलिए वो अपने सफेद कुर्ते की जेब में रखी सिगरेट 555 के डब्बे में से एक सिगरेट निकालता है और सुलगा लेता है। 2 घंटे और 7 सिगरेट बीत जाने के बाद दरवाजा दोबारा खुलता है और वो काली मर्सिडीज वापस आती है। तेज बारिश के बीच भी ड्राइवर लपक कर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और उस गाड़ी में से उतरती है 70 साल की एक महिला जिसका नाम होता है जीनाबाई दारूवाली। और बालकनी पर खड़े उस शख्स का नाम था हाजी मस्तान। वो हाजी मस्तान जिसने पूरी मुंबई पर हुकूमत की, वो हाजी मस्तान जिसने अपनी जिंदगी में एक गोली तक नहीं चलाई, फिर भी पूरी मुंबई उससे थर थर कांपती थी। और ना ही किसी अदालत में कभी उसके खिलाफ कोई जुर्म साबित हो सका। बचपन में अपने पिता की साइकिल की दुकान पर काम करने वाला हाजी मस्तान जवानी में कूली बन गया और कूली से अंडरवर्ल्ड का डॉन। कहानी वाकई में फिल्मी है और इसीलिए शायद इस पर इतनी फिल्में भी बनी है, लेकिन फिल्म की कुछ हद होती है और उस हद की सरहद को पार करके आज हम आपको वो सब बताने वाले हैं हाजी मस्तान के बारे में जो फिल्मों में नहीं दिखाया जा सका। कहानी शुरू होती है 1944 से। मस्तान की मुलाकात गालिब शेख नाम के एक आदमी से होती है। वो उससे कहता है कि अगर वो डॉक यार्ड पर कूली बन जाएगा और अपने थैले में कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान लेकर चला जाएगा तो वो उसे अच्छे खासे पैसे देगा। बस इतनी सी बात थी और मस्तान ने कूली बनकर डॉक यार्ड पर काम करना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब लोग विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगी घड़ियां और सोने चांदी के जेवर लाते थे जिन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, इसलिए डॉक यार्ड पर उनकी तस्करी करना बहुत फायदे का सौदा था। और धीरे धीरे मस्तान इस काम में बहुत माहिर हो गया और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। मस्तान की जिंदगी का सिर्फ एक ही रूल था, वो ऐसी किसी भी चीज की स्मगलिंग नहीं करता था जिससे जिंदगी को नुकसान हो, इसीलिए वो ड्रग्स और गन की स्मगलिंग नहीं करता था। फिर आता है 1950 का दशक। ये दशक मस्तान के लिए ईद से कम नहीं था, क्योंकि 1956 में उसकी मुलाकात होती है दमन और गुजरात के सबसे बड़े तस्कर सुकुर नारायण बखिया से। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और फिर दोनों स्मगलिंग का काम साथ में शुरू कर देते हैं। ये दोनों दुबई और एडन से सोने के बिस्किट, महंगी घड़ियां और ट्रांजिस्टर की तस्करी करने लगते हैं। इस तस्करी में दोनों खूब पैसे छापते हैं और मुंबई का कुली यानी मस्तान अब बन जाता है मस्तान भाई। मस्तान इसके साथ मुंबई का भाई तो बन गया था, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो गैंगस्टर वरदराजन और करीम लाला का सहारा लेता था। इसी को देखकर ही दाऊद जैसे लोगों ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा और फिर मुंबई पर कब्जा भी किया। 1970 का दशक आते आते पूरी मुंबई पे हाजी मस्तान का कब्जा हो चुका था। वो मुंबई के समंदर पर राज करता था और वो बचपन से अमीर बनने का जो सपना देखता था आज वो उससे कुछ ज्यादा ही बन गया था। बचपन से हाजी मस्तान को सफेद सूट पहनने का और मर्सिडीज गाड़ी का बहुत शौक था। वो अपने इस शौक को पूरा भी करता था और जब वो मर्सिडीज में सफेद सूट पहनकर निकलता था तो लोग उसे सलाम भी करते थे। उस वक्त मस्तान का दबदबा मुंबई में इतना था कि उस वक्त उसके दबदबे से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी परेशान थी, इसीलिए जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने उसे उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ये पहला मौका था जब हाजी मस्तान किसी जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात होती है जेपी से और वो 1980 में जुर्म के रास्ते को छोड़ देता है। यानी जेपी की उस एक मुलाकात ने हाजी मस्तान को पूरी तरह से बदल दिया था। इस सब के बाद साल 1984 में हाजी मस्तान ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई जिसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा गया। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात तस्कर अपनी फैमिली के साथ रहा और 1994 में दिल का दौरा पड़ने से हाजी मस्तान की मौत हो गई। आज की इस कहानी में इतना ही। आपको अगली कहानी किसकी सुननी है आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।